वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि ऑनलाइन ट्रेन टिकट कैसे बुक किया जाता है एंड IRCTC मोबाइल एप्लीकेशन का कैसे अकाउंट बनाया जाता है एंड अकाउंट बनाने के बाद ऑनलाइन टिकट कैसे बुक किया जाता है। आज मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं बर्मा टेस्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए, IRCTC जो मोबाइल एप्लीकेशन है हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड करने के बाद चलिए हम इसको बताते हैं कैसे आपको क्या करना है। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से लिंक पे ओपन करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर आपको इस तरीके का डैशबोर्ड इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले हमें इस ऐप पर अपना अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा या यहाँ पर आप लॉगिन पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए हम इस ऐप पर अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर यूजर पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा रजिस्टर यूजर पर। हमें क्लिक करने पर यहाँ एक मोबाइल नंबर हमें इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद एक ईमेल आईडी, एक यूजर नेम, एक पासवर्ड, एक कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना होगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं या थर्ड जेंडर हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आप नेशनलिटी आ गया है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई भी टाइप कर सकते हैं। इस सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको इतने सारे दिया गया है कि व्हाट इज योर पेट नेम, तो पेट नेम आप सिलेक्ट कीजिएगा। आपका जो आंसर होगा वो आंसर टाइप कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि आप अगर पासवर्ड भूल सकते हैं तो वो काम आएगा। और प्रोफेशनल में आप क्या करते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, या इसके बाद अगर आपका शादी हो चुका है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अनमेरिड या अनमेरिड। इसके करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड नजर आएगा। तो आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर एड्रेस फिल कर देना है, स्टेट डाल देना है, एरिया डाल देना है, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड एंटर कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट जिस स्टेट में रहते हैं आप। यहाँ से पोस्ट ऑफिस एक फोन नंबर आपको है तो दे दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट बन चुका है। और वो बुक करने के लिए प्लान माई जर्नी पर क्लिक करना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर लिए हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर फ्रॉम और टू का ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर जिस भी स्टेशन से गाड़ी को बुक करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और जहाँ जाना चाहते हैं उस स्टेशन का नाम हमें यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर क्लास को ऑल सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। यहाँ पर जनरल कोटा है, हम आपको बताएंगे। यहाँ से आपको डेट को आसानी से सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट आप यहाँ से डेट पर क्लिक कीजिएगा तो डेट आप जिस भी डेट में वहाँ पर जाना चाहते हैं उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम 12 तारीख को वहाँ पर जाना चाहते हैं तो 12 सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम आरा से गाड़ी धरेंगे दिल्ली के लिए, तो हम आरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। फ्रॉम हम आरा से गाड़ी धरेंगे दिल्ली के लिए। अब यहाँ पर हम दिल्ली के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। आप सर्च भी नेम के द्वारा कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर जाना। चलिए हम मान लीजिए हमें आगरा जाना है तो हम आगरा लिखेंगे AGRA। हम आगरा लिखेंगे तो देखिए आगरा सिटी आ गया है। अगर हमें आगरा जाना हो तो हम आगरा चल सकते हैं। चलिए हम दिल्ली के बताते हैं। आप ठीक उसी तरीके से आप यहाँ से सर्च करके जा सकते हैं। देखिए दिल्ली हमारा सेलेक्ट हो गया है, न्यू दिल्ली हम जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप अब सर्च ट्रेन पे अब ट्रेन को सर्च कीजिए कि कौन कौन सी ट्रेन है जो दिल्ली तक जाती है। हम उसी ट्रेन को हम सारा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए इतना सारा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। अब आप वन बाई वन करके यहाँ से देख लीजिए कि कौन कौन सी ट्रेन है, इतने सारे ट्रेन है जा रही है। देखिए यहाँ पर बताया जाए ट्रेनिंग रनिंग ऑन अदर डे, बोला जा रहा है कि जो ट्रेन है अदर डे भी रनिंग करती है। तो चलिए अब इसके बाद चलिए वन ऊपर से हम देखकर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये ट्रेन का जो नेम आ गया है, इसके बाद ये इनका ये आ गया है ट्रेन का कोड होता है जो 5 डिजिट का होता है, ये वाला आ गया है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर एक स्लीपर का भी दिया गया है, ये वाला सेकंड क्लास का, ये 3A का दिया गया है। अब आपको स्क्रॉल डाउन ऐसे करना है, ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपको ये पता लगाना है कि जो ये ट्रेन संख्या है ये ट्रेन कहाँ तक जाती है, हमें आरा कब तक आएगी, आरा हमें कब गाड़ी धरना पड़ेगा, तो इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। लोकेशन वाले आइकन पर यहाँ सब आरा अपना जंक्शन पर सिलेक्ट कीजिएगा। आरा आरा देखिए जंक्शन पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब हमें ये कहाँ तक पहुँचाती है, न्यू दिल्ली हमें कब ये पहुँचाएगी, तो न्यू दिल्ली देखिए 6 बजे आपको वहाँ पर दिल्ली में पहुँच जाइएगा वहाँ पर न्यू दिल्ली। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरा में आप कब यहाँ पर ट्रेन धरना होगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट टाइम आपको बताया जा रहा है कि 6:46 पर आपको यहाँ पर गाड़ी धरना होगा। अब इसके बाद 2 मिनट के लिए स्टॉपेज वहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए मान लीजिए हमें यहाँ इसमें ट्रेन बुक करना है,
इसमें हावड़ा इस जो न्यू दिल्ली का ट्रेन है इसमें बुक करना है हमें। बुक करने के यहाँ पर पैसा भी बताया जा रहा है, अगर आप स्लीपर में कर रहे हैं तो 495 रुपये लगेगा, अगर आप सेकंड क्लास में कर रहे हैं तो 295 रुपया अगर लगेगा, अब ये कर रहे हैं 2A का ये 850 रुपया लगेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये ट्रेन चलती है आपको सिंपल से यहाँ पर ये मंडे को भी चलती है, ट्यूजडे के भी चलती है, फ्राइडे को भी चलती है और सैटरडे को भी चलती है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, इस मतलब होता है हमको लग रहा है सैटरडे। यहाँ पर देखिए ये जो 3:23 में लिख रहा है तो 11 जंक्शन में आपको 3:23 पर आ जाएगा और दिल्ली पहुंचाएगी 4:30 पे। चलिए हम एक ट्रेन का टिकट आपको बुक करके बताते हैं। चलिए मान लीजिए हमें सेकंड क्लास में बुक करना है या स्लीपर में बुक करना है, तो मान लीजिए आपको अगर स्लीपर में बुक करना है तो यहाँ पर स्लीपर वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ये स्लीपर वाला आइकन है इसी पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है आप लोगों का WL44 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो भी लोग स्लीपर में बुकिंग कर रहे हैं उनका वेटिंग लिस्ट, WL मतलब होता है वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट अभी उनका 44 पर आ चुका है। वेटिंग लिस्ट ये जब टिकट आने के बाद, ये टिकट कब जनरेट होता है, स्टेशन पे आपके आने से 8 घंटा पहले आपके ट्रेन टिकट आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर PNR के जरिए जनरेट हो जाता है। तो चलिए हम इसी पर स्लीपर पर क्लिक करेंगे। आप स्लीपर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड नजर आ चुका है। तो चलिए आप यहाँ से 495 रुपये क्या चीज़ का लग रहा है, आप यहाँ से चाहेंगे तो पूरा डिटेल भी देख सकते हैं कि 495 रुपये क्या क्या चीज़ के लग रहा है। चलिए यहाँ से हमें पैसेंजर डिटेल पर हमें क्लिक करना है। पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर इनका जो टर्म एंड कंडीशन है अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद हमें एग्री पर क्लिक कर लेना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद हमें अपने पैसेंजर का डिटेल नंबर इंटर करना होगा, जो मोबाइल नंबर, और इसके बाद हमें यहाँ पर स्लीपर, हम स्लीपर में कर रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है हमारा जो स्टेशन हम पकड़ रहे हैं आरा जंक्शन से। अब आप अगर यहाँ पर पैसेंजर का ऐड कर सकते हैं और एक्सिट जो पैसेंजर हैं आपको पहले से बनाए हैं वो ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने के लिए ऐड पैसेंजर पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आप लोग। चलिए हम एक एग्जांपल के आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए हम अपना नेम लिख दिए हैं। इसके बाद आप वोटर आईडी या आधार कार्ड से नेम मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद आप जेंडर चूज कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर एज डाल दीजिए, जैसे आपका एज मान लीजिए 19 वर्ष है तो यहाँ पर आप ये इंटर कर दीजिएगा। बर्थ सेलेक्ट, आप सेलेक्ट बर्थ है नो रेफरेंस सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देना है। आपका पैसेंजर ऐड हो गया है। अब आप चाहते हैं एक से या बाल बच्चों या आपके घर में कोई भी अदर चिल्ड्रन का भी, तो आप इसी तरीके से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर पैसेंजर का आप मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा ताकि आप उनके मोबाइल नंबर पर एक PNR नंबर सेंड किया जाएगा कि आपका टिकट कन्फर्म हुआ है कि नहीं। अब इसके बाद आपको यहाँ से आप अपना जो डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते हैं जहाँ पर के लिए आप टिकट बुक किए हैं उसका यहाँ पर एड्रेस आप अच्छी तरीके से फिल कीजिएगा कि हम न्यू दिल्ली में इस जगह हम जाना चाहते हैं। बस यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। अब फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आप पैसा कटवाएंगे नेट बैंकिंग और इथे के थ्रू आपको GST चार्ज भी देना पड़ेगा प्लस GST चार्ज। इसके बाद आप टोटल फिलअप करने के बाद रिव्यू एंड जर्नी डिटेल पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका ट्रेन टिकट बुक हो जाएगा और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक PRN टिकट आएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। एंड वीडियो को भी लाइक कीजिए, इस वीडियो को फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि वो ऑनलाइन ट्रेन टिकट आसानी से बुक कर सके। सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार। अगर अभी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो रहा है, टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट कर सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।